दोस्तों, मैं सत्या कुमारी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस किसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक भाषा विज्ञान पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी को MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। इसका पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा अभिलक्षणों का परिचय दीजिए अथवा भाषा की परिभाषा लिखते हुए उनके अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, भाषा और बात के स्वरूप की समीक्षा कीजिए अथवा भाषा व्यवस्था का सुदाहरण परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए भाषिक प्रकार स्पष्ट कीजिए अथवा भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा के प्रकार का सुदाहरण परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, भाषा अध्ययन की दिशाओं की समीक्षा कीजिए अथवा भाषा के अध्ययन की वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दिशाओं का विवेचन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, स्वर्ण विज्ञान के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी शाखाओं की विवेचना कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण कीजिए अथवा स्वन क्या है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है स्पष्ट करें। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए अथवा व्यंजन की परिभाषा देते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, स्वनिम विज्ञान से क्या तात्पर्य है, स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए अथवा स्वनिम विज्ञान के स्वरूप और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, स्वनिम की परिभाषा देते हुए उसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी स्वनिमों के भेदों की सुदाहरण विवेचना कीजिए अथवा स्वनिमों के भेदों पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, रूप प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी शाखाओं की विवेचना कीजिए अथवा रूप प्रक्रिया की शाखाओं का सुदाहरण परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रूपिम की अवधारणा और उसके भेदों का परिचय दीजिए अथवा रूपिम का स्वरूप बताते हुए उसके भेद स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, स्वनदर्शी रूपिम के भेदों को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, अभिहितान्वयवाद और अनिव्यविवादावाद का परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा देकर विभिन्न वाक्य स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए अथवा वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके विविध वर्गों का परिचय दीजिए अथवा हिंदी वाक्य भेद का सविस्तार परिचय लिखिए अथवा वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य के किन्हीं दो भेदों का परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा देते हुए हिंदी वाक्य के निकटस्थ अवयवों का विश्लेषण कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, वाक्य की गहन संरचना और बाह्य संरचना का परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, शब्द और अर्थ के संबंध की विवेचना कीजिए अथवा शब्द की परिभाषा लिखते हुए शब्द अर्थ का संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, अर्थ की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए अनेकार्थकता पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन के कारणों का विवेचन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का विवेचन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, साहित्य और भाषा विज्ञान का संबंध स्पष्ट कीजिए अथवा साहित्य अध्ययन में
भाषा विज्ञान की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार इस पुस्तक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी यही प्रश्न घुमा फिरा के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका उत्तर एक ही होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।